माइलेज जो टेस्ट करके आप लोगों को एकदम परफेक्ट माइलेज बताने वाला हूँ कि जब भी आप इसको चलाओगे या फिर सिटी और हाईवे दोनों जगह में चलाने वाला हूँ, ऑल राउंड सब जगह चला के इसका माइलेज चेक करेंगे कि ये माइलेज जो है वो कितना देती है कितना नहीं देती है एक लीटर में। अभी हम लोग शोरूम का सर्विस सेंटर में आके इसमें जितना भी 4-5 लीटर तेल था सारा तेल निकाल के एकदम जो गाड़ी है ना उसको एकदम एम्प्टी कर दिए हैं। अभी हम लोग इसमें डालेंगे 1/2 लीटर पेट्रोल। यहाँ देख लीजिए ये पूरा एग्जैक्ट 1/2 लीटर जो पेट्रोल है वो आ चुका है। इसमें पेट्रोल पूरा डालेंगे तो जब तक ये पेट्रोल जो है खत्म नहीं हो जाता तब तक गाड़ी को चलाएंगे और इसको भाई 1/2 लीटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 1 लीटर में जो है वो हम लोगों को एवरेज क्या मिलने वाला है इस गाड़ी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हो, करता हूँ कि आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिएगा। गिव अवे वाला भी वीडियो आ चुका है, जाके जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और बाइक्स का रिलेटेड में कुछ भी आप कंटेंट वगैरह देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत लगभग देख सकते हैं नीचे की थोड़ा बहुत गिर भी चुका है, लगभग 50 ग्राम के आसपास गिर चुका है गाड़ी का तेल। जो होंडा बिग विंस है उसको स्पेशल थैंक्स करूंगा, सिलीगुड़ी से सेवक रोड में जो शोरूम है उसका स्पेशल थैंक्स जो ये गाड़ी हमें प्रोवाइड किया। चलिए अभी करते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, इसको चारों तरफ चलाते हैं, इंजॉय करते हैं और देखते हैं इसका जो माइलेज है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ट्रिप ए को एकदम जीरो कर दिए हैं। 1/2 लीटर जो है इसमें पेट्रोल है। अभी इसको हाईवे में भी चलाएंगे और आपको सिटीज़ वगैरह में भी चलाएंगे कि ऑल राउंडर आपको जो है इसमें माइलेज वगैरह जो है वो कितना मिल जाता है। और हम लोग पिलियन के साथ भी जा रहे हैं तो आपको एज अ पिलियन में आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो तो आपको माइलेज जो है इसमें कितना मिल सकता है इजीली। और मेरे को ये ज़्यादा देर के लिए भी नहीं मिला है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि 1 लीटर जो पेट्रोल है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो लग जाएगा, बहुत ज़्यादा गाड़ी को है वो चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 1/2 लीटर ही डाला हूँ। 1/2 लीटर से हम लोग जो है वो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो है आपको माइलेज वगैरह मिल रहा है इसमें। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं हाईवे पे और अभी इसमें सिटी वगैरह में भी चलाएंगे और हाईवे में भी चलाएंगे, इसको परफेक्ट आपको जो है माइलेज वगैरह निकाल के दे देते हैं कि आपको इसमें जो है माइलेज कितना रहेगा। और आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आप लोग और भी कोई गाड़ी का माइलेज वगैरह चेक करवाना चाहते हो मुझसे, मेरे थ्रू आप लोग चाहते हो कि मैं इस और भी कोई गाड़ी का आपको माइलेज वगैरह टेस्ट करके बताऊं कि उसका माइलेज कितना आपको मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका भी माइलेज वगैरह का रिव्यू वगैरह लेके आने का कंपनी से बात करके। एक तो सिलीगुड़ी में ट्रैफिक इतना है कि 10-15 मिनट से मैं यहीं पे पड़ा हूँ, अभी तक तो कहीं निकला ही नहीं हूँ, 15-10 मिनट से यहीं पे हूँ। बहुत गंदा हो चुका है सिलीगुड़ी का ट्रैफिक। ये जो गाड़ी है इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा सही है। इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। USD का फ्रंट में आपको सस्पेंशन का सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। बहुत सही बाइक मेरे को लगा। पावर पिकअप भी अच्छा खासा है इसमें। 300cc का अगर हिसाब से बात करूँ तो पावर पिकअप जो है काफ़ी ज़्यादा सही है इसका, ये बाइक का। और सस्पेंशन जो काम कर रहा है भाई साहब, मतलब एकदम चुम्बेश्वरी सस्पेंशन का जो सेटिंग है बहुत अच्छा रेशियो में मेंटेन करके रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर मैं ऑफ रोड वगैरह में ले जा रहा हूँ थोड़ा बहुत तो मतलब फील नहीं हो रहा है आपको, वो इतना अच्छा सा इसका रेशियो जो है सेटिंग करके रखा हुआ है। अभी हाईवे में गया भी नहीं हूँ मैं, अभी सिटी में ही चला रहा हूँ। एक्चुअली ये ऑलराउंडर हो जाएगा अगर आप माइलेज की बात करूँ तो। मतलब कोई कोई होते हैं सिर्फ हाईवे में चेक करके आपको दिखाते हैं, मैं जेन्युइन आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बार तो आप हाईवे में नहीं चलाओगे ना, आपको इस तरह का ट्रैफिक वगैरह भी रहेगा एनी टाइम, आप हाईवे में थोड़ी ना ले जाकर इसको माइलेज वगैरह चेक करोगे। हाईवे में नो डाउट हाईवे में आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑलराउंडर करूँ तो आपको एकदम एक्यूरेट माइलेज जो है इस गाड़ी का जो है वो पता आपको चल जाएगा। ऐसे क्राउडेड ट्रैफिक वाले सिटी में भी इसको चला रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट जो माइलेज है वो दे पाऊँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है तो लाइक करना बनता है बॉस। तो इसका तो माइलेज वगैरह टेस्ट तो होते रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको गाड़ी का डिटेल वगैरह भी दे देते हैं कि इसमें आपको मिल जाएगा 286.1cc का आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको प्रोड्यूस करता है 22.9 PS का पावर। और यही अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 27.5 Nm का, इसमें आपको टॉर्क वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। ये गाड़ी जो है आपको डुअल चैनल ABS के साथ में आता है। फ्रंट में आपको
USD फोक सस्पेंशन का सेटिंग मिल जाएगा और रियर में आपको मोनोसॉक का सस्पेंशन सेटिंग मिल जाएगा। और यही में अगर टायर सेक्शन की बात करूँ तो रियर में आपको मिल जाएगा 150 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर और सामने में आपको मिल जाएगा 110 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर। गाड़ी का ना पावर पिकअप परफॉर्मेंस जो है ना एक नंबर है भाई, मतलब न्यूली लॉन्च किया, क्या ही लॉन्च किया है भाई साहब ये गाड़ी को, मज़ा आ गया इसको चलाने के बाद, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यही है कि इसको मैं ना एक्चुअली मेरा दिल से चाहत होता है कि अगर कोई भी लॉन्ग मतलब नया जो बाइक वगैरह आता है उसको मैं चाहता हूँ कि 500-600 किलोमीटर तक का ना एकदम अच्छा सा राइड कर लूँ, ताकि एकदम आपको ना परफेक्टली मैं बता सकूँ कि आपको ये लॉन्ग राइड वगैरह के लिए भी गाड़ी जो है सही है कि नहीं है। वैसे मैं बता दूँ, मैं FZ यामाहा का जो FZ 150cc उसको भी मैं लेके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग राइड कर चुका हूँ, 1500-2000 किलोमीटर का। तो ज़्यादातर मैं इस गाड़ी को जो है हाईवे पे नहीं चला पाया, मैं इसको हाफ लीटर जो पेट्रोल डाला था सिर्फ ज़्यादातर सिटी में ही चला पाया, वो भी पिलियन के साथ में। मैं एक बार आपको दिखाना चाहा, हाईवे में मैं बस 1 किलोमीटर ही चलाया हूँ, मतलब यहाँ से बस 1 किलोमीटर ही हम लोग आगे आए हैं और तेल जो है गाड़ी का वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप देख लो गाड़ी जो है 9.9 किलोमीटर चला है, मतलब समझ लो हाफ लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी है। तो अगर 1 लीटर की बात करूँ तो ये 20 का आपको एवरेज जो है वो मिल जाएगा इजिली सिटी में, वो भी पिलियन के साथ में और वो भी एकदम क्राउडेड वाली सिटी में। अभी आप टाइम लैप्स में जो वीडियो तो देखे ही होंगे कि कितना क्राउडेड वाला सिटी था, मतलब 1 सेकंड के लिए भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा भगाने का मौका नहीं मिला, हाईवे पे जाने का मौका नहीं मिला। हाईवे पे बस हम लोग जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही अभी आए हैं, सालूगाड़ा जस्ट अभी हम लोग क्रॉस किए, 1 किलोमीटर पहले ही सालूगाड़ा जो है। अगर कोई सिलीगुड़ी से देख रहा है तो मैं अनुमान के लिए बता रहा हूँ, आप मेरा पीछे देख सकते हो, नहीं तो सिलीगुड़ी के भाई लोग तो पहचान भी जाएंगे कौन से जगह पे मैं हूँ, आप वहाँ से भी अनुमान लगा सकते हो। तो ये जो गाड़ी है वो आपको अगर मैं ऑन एवरेज की बात करूँ मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तो आपको सिटी में है ये आपको एकदम क्राउडेड ट्रैफिक वाले सिटी में आपको ये 20 का जो है ऑन एन एवरेज दे देगी, वो भी पिलियन के साथ में। अगर आप सोलो रहोगे तो आप 2-2.5 किलोमीटर जो है वो और आप बढ़ा लेना, लगभग 22-23 का आपको सिटी में आपको एवरेज दे देगी। अगर यही इसी अनुमान से देखूं और आप 4500 आरपीएम के आसपास में अगर गाड़ी चलाओगे 80-90 तो ये गाड़ी आपको 30 प्लस तो मेरा आइडिया से इजीली दे देगी। अगर 4500 आरपीएम में आप ले जाओगे और 80-90 का आप स्पीड में मैनेज करोगे तो आपको इजीली 30-31 के आसपास मेरा जो है मेरा आइडिया बता रहा है कि 30-31 के आसपास का जो ये एवरेज है वो इजीली दे देगी। अगर पिलियन के साथ ये ट्रैफिक में आपको 20-21-22 का आपको अगर माइलेज दे रही है तो आप सिटी में अनुमान लगा ही सकते हो कि इसका जो है ऑन एन एवरेज क्या मिल जाएगा। अगर आप कोई भी 300cc मोटरसाइकिल देख रहे हो तो मेरा सजेशन है आप इसको एक बार टेस्ट राइड कीजिएगा, इसका जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, न्यूली लॉन्च मॉडल है। आपको सामने में USD का सस्पेंशन का सेटिंग मिल जाएगा, ABS जो है अगर मैं कुछ नंबर्स का हिसाब से बात करूँ तो 10 में से 10 नंबर दे दूंगा इसका ब्रेकिंग को लेकर, लेकिन भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी जो है वो शानदार देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आपको इसका टेस्ट राइड वगैरह भी लेना है तो एड्रेस और नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आपको टेस्ट राइड वगैरह लेना है तो आप वहाँ से जाके आप ले सकते हो टेस्ट राइड वगैरह। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो का भी ऊपर आप चाहो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो देखना चाहेंगे बाइक का रिलेटेड में। और अगर आप बाइक का रिलेटेड में कुछ भी टॉपिक्स के रिलेटेड में अगर वीडियो देखते हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाइक का रिलेटेड में ये चैनल जो है अभी हम लोग बाइक का ही रिलेटेड में रखे हैं, बाइक का ही कॉन्टेंट वगैरह सारा कुछ आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अगर कोई भी अगर नया बाइक लेने का सोच रहा है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत उनको आइडिया वगैरह मिल जाए। टिल देन राइट सेफ, दिस इज बीबी ब्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।